आप सब दोस्तों का हम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता अब जल्द ही भारत के अंदर लागू होने वाली है। इसके अंदर भरण पोषण के बारे में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वो क्या चेंजेस होंगे, इन चेंजेस के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है, बहुत से केसेस में ये होता है। इससे जो मृतक होता है उसके माता पिता बेसहारा हो जाते हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो मुआवजा मिलता है वो पत्नी को मिलता है और पत्नी वो मुआवजा लेकर दूसरी जगह अपना घर बसा लेती है। अब यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि बहुत से केसेस के अंदर जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में उसकी पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और उसके माता पिता जो होते हैं उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, तो वो अपनी जो बाकी बची हुई जिंदगी है वो तंगहाली के अंदर गुजर बसर करते हैं। उनका धनी धोरी, जो साधारण भाषा में हमारे कहा जाता है कि धनी धोरी कौन है, उनका फिर बाद में धनी धोरी कोई नहीं होता। तो ये जो अच्छी चीज़ें किसी भी कानून में आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और बुरी चीज़ें आए तो उसके खिलाफ हमें हमेशा से आवाज़ उठाते रहना चाहिए। इस प्रकार की जानकारियाँ हम आगे भी आपको देते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।